बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की 1 मुकदमे में उबूरी जमानत ने तौसी कर दी गई है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूखा ने दरखास्तों पर समाअत की है। बानी पीटीआई की वीडियो लिंक पेशी ना कराने पर जेल हुकाम का जवाब जमा ना कराया जा सका। अदालत ने जेल हुकाम से वीडियो लिंक पर हाजिरी ना लगवाने पर दोबारा रिपोर्ट भी तलब कर लिया, जबकि दौरान समाअत बानी पीटीआई के वकील ने इस्तदा की कि आज इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जमानत की 4 दरखास्तों पर समाअत है। उबूरी जमानत में तौसी की जाए, जमानत की दरखास्तों पर समाअत आइंदा के लिए रख ली जाए। अदालत ने दोनों की उबूरी जमानत में तौसी करते हुए समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी कर दी। अदालत ने जेल हुकाम से वीडियो लिंक पर हाजिरी ना लगवाने पर दोबारा रिपोर्ट भी तलब कर लिया, जबकि दौरान समाअत बानी पीटीआई के वकील ने इस्तदा की कि आज इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जमानत की 4 दरखास्तों पर समाअत है। उबूरी जमानत में तौसी की जाए, जमानत की दरखास्तों पर समाअत आइंदा के लिए रख ली जाए। अदालत ने दोनों की उबूरी जमानत में तौसी करते हुए समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी कर दी। अदालत ने जेल हुकाम से वीडियो लिंक पर हाजिरी ना लगवाने पर दोबारा रिपोर्ट भी तलब कर लिया, जबकि दौरान समाअत बानी पीटीआई के वकील ने इस्तदा की कि आज इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जमानत की 4 दरखास्तों पर समाअत है। उबूरी जमानत में तौसी की जाए, जमानत की दरखास्तों पर समाअत आइंदा के लिए रख ली जाए। अदालत ने दोनों की उबूरी जमानत में तौसी करते हुए समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी कर दी। अदालत ने जेल हुकाम से वीडियो लिंक पर हाजिरी ना लगवाने पर दोबारा रिपोर्ट भी तलब कर लिया, जबकि दौरान समाअत बानी पीटीआई के वकील ने इस्तदा की कि आज इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जमानत की 4 दरखास्तों पर समाअत है। उबूरी जमानत में तौसी की जाए, जमानत की दरखास्तों पर समाअत आइंदा के लिए रख ली जाए। अदालत ने दोनों की उबूरी जमानत में तौसी करते हुए समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी कर दी। डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो, अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग। दुनिया की तमाम अहम खबरें कभी भी कहीं भी सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की, आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताजा तरीन सूरत हाल। पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त। www.publicnews.com